क्वेश्चन नंबर थ्री तक अगले वाले वीडियो में देखा था, अब आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर आपको क्या बोला है कि इसका एरिया फाइंड करने का बोला है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने सीखा था कि किस तरह से करना है। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, और उसका अंदर का जितना भी पार्ट है वो सब क्या है, उसका एरिया है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपको 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स दे दिए हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर आपको एक एरो करके दिया हुआ है, और उस एरो के अंदर जितना भी एरिया है वो आपको लिखना है। मतलब यहाँ पे नीचे आपको फिलिंग ब्लैंक थी, उसके अंदर पहले गिनते कि कितने सेंटीमीटर का है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहले सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे ये आधा आधा ऐसा कोई भी शेप हो और उसके अंदर एरिया फाइंड करने का बोला हो, तब हमें सबसे पहले जितने भी पूरे बॉक्स है उसको गिन लेने हैं, फिर आधे आधे उसको एक करेंगे, आधा होता है एक और दूसरा आधा होता है तो उसका एक बन सकता है ना। तो वैसे ही हमें पहले सारे के सारे पूरे जो बॉक्स दिए 1-1 सेंटीमीटर के उसको गिन लेंगे, उसके बाद जो आधे आधे दिए उसको 1 बोलेंगे, मतलब कि आधा आधा 1 और वापस ये आधा आधा मतलब 1, मतलब 2 हुए, 2 और ये 6, तो कितने हुए यहाँ पे 8 square centimeter। हमने स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए हम पेरीमीटर के अंदर एरिया के सॉरी पेरीमीटर के अंदर स्क्वायर लिखते नहीं है, पर एरिया के अंदर हमें ये स्क्वायर लिखना जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे थे इसलिए वो 6 लिखे, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो 6 लिखेंगे, फिर आधा आधा है उसको क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो कि फुल बॉक्स 6, फिर हाफ कितने, 1, 2, 3, 4 फोर हाफ है, यहाँ पे कितने आएंगे, 4 हाफ मतलब 2 आएंगे, उससे आधा अगर 2 होते तो बन जाता। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जितने उसके आधे यहाँ पे आपको लिखने हैं, 6 plus 2 8 square centimeter हो गया। चलो अब देखते हैं, हम ये रखो आपके लिए, उसके अंदर आपको एक कुछ ऐसा शेप दिया हुआ है, और उस शेप के अंदर पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फुल बॉक्स जितने भी है वो गिन लेंगे, उसके बाद आधे को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 कितने हैं, फुल बॉक्स है। अब आधे कितने रहे, 2 मतलब 3 और 4, 4 है मतलब फुल बॉक्स कितने होंगे, 2 होंगे, 6 plus 2 8। तो हमें यहाँ पे भी जो आपको नीचे फिलिंग द ब्लैंक दी हुई है नीचे आप लिख सकते हो कि 8 square centimeter। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर से करना है, और 5 नंबर का भी घर से करना है। यहाँ पे 4 नंबर का देखो, 4 नंबर के अंदर कुछ ऐसा शेप आपको दिया हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज है और कुछ है नहीं। पहले फुल बॉक्स गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पर आधे से ज्यादा भी बॉक्स पूरा भरा हुआ हो तो उसको भी हम किसमें गिनती करते हैं, फुल बॉक्स के अंदर गिनती करते हैं। अगर ये वाला इतना होता तो हम इसको आधा गिनते, पर यहाँ पर इतना नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा कटा हुआ, बाकी का पूरा है, तो उसको हम 6 नंबर देंगे, क्योंकि ये फुल बॉक्स ही कहलाता है। अब आधे कितने बचे, 2 ही है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 बॉक्स हो जाएगा, और कितने हुए, 6 सेंटीमीटर ये और 1 भी, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 square centimeter। ओके, 6 नंबर का देखो, 6 नंबर के अंदर आपको कुछ ऐसा शेप दिया हुआ है, इसमें सारे के सारे फुल बॉक्स हैं, तो हम आसानी से कर पाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ क्या लिखेंगे, 5 square centimeter। समझ में आ गया, जो मैंने 2 छोड़े वो आपको घर से लिखने हैं, और ये वाले नोट डाउन करोगे अपनी वर्कबुक के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपकी वर्कबुक के अंदर देखो क्या कहा है, फाइंड एंड राइट द एरियाज स्टैम्प गिवन बिलो। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के स्टैम्प दिए, स्टैम्प मतलब टिकट है, हम जो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं ना वहाँ पे
₹1 की, ₹2 की, ₹5 की टिकट मिलती है, और भी हमें एक जगह से दूसरी जगह का कुरियर करना होता है तो उसके ऊपर वो लोग चिपकाते हैं। तो वो सारी की सारी जो स्टैम्प दिए हुए हैं, टिकट दी हुई है, उसको आपको एरिया फाइन करने का बोला है। तो एरिया फाइन करने के लिए देखो, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसके अंदर लाइनें खींची हुई है ऑलरेडी, बॉक्स किया हुआ। यहाँ पर मैंने 1 नंबर का सिर्फ लिखा है, बाकी का आपको घर से करना है। इसलिए ध्यान से देखना कि आपको ये 500 भारत और इंडिया लिखकर ऐसा कुछ टिकट दिए जिसमें बाघ है, और आपको काम क्या करना है, जितने भी बॉक्स है आपके वर्ग में देखना है, आपको उसमें दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा नहीं, इसको आपको काउंट करने सारे के सारे एरिया ही कहा है, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सिर्फ लिखने में लिख क्यों रही हूँ आपको समझने के लिए। आपको ऐसे ही 1, 2 पहले स्टार्टिंग में नहीं समझ आता तब तक लिखोगे तो चलेगा, फिर बाद में सब में लिखना नहीं है, अपने आप ही गिनना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको 6 नंबर तक दिए हुए हैं, और नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक दी हुई है, वो आपको काउंट करना है, जहाँ जो उसका नंबर है वहाँ पे उसका एरिया लिखना है। ओके, समझ में आ गया। सेकंड नंबर के अंदर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें 8 दी है, तो आपको सेकंड नंबर में क्या लिखना है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये भी आपको बाकी का घर से करना है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, आपको बहुत सारे अलग अलग स्टेप दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 दिए और पीछे पेज करोगे तो दूसरे भी 8 तक दिए हुए हैं, तो उसके अंदर हम 2 सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी के आपको घर से करने, ध्यान से देखना है। देखो उसमें क्या कहा है, 2 ही बोला है आपको, 2 जगह पर करना है। क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर बोला है तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर में हमें क्या करना है, ये जो बॉर्डर लाइन है वो हमें काउंट करनी है। पर बॉर्डर लाइन में देखो, यहाँ से यहाँ तक वाला जो एरिया है वो क्या है, मतलब इतना जो जगह है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पेरीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर, इस पे स्क्वायर लिखेंगे नहीं। अब एरिया कहाँ है, तो एरिया कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको ऐसे ही 8 तक कंप्लीट करने हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।